ऑल राइट, तो मिर्जापुर के फैंस के लिए खुशखबरी आ चुकी है और इसे सुनकर आप लोग एक्साइटेड होगी नहीं कमेंट्स में बताना। और नहीं, मैं इसके अगले सीजन की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन ये न्यूज अगले सीजन के आने से ज्यादा बड़ी और एक्साइटिंग है। आपको सुनकर हैरानी होगी और बहुत सारे क्वेश्चंस भी उठेंगे, और वो फैंस जिनकी थ्योरीज को बेकार फालतू यूजलेस बताया जा रहा था उनको बहुत ज्यादा राहत मिलने वाली है इसको सुन के। साथ में उन लोगों को भी जिन्होंने भर भर के उसके ऊपर जब सीजन सेकंड का एंड हुआ था अपनी अपनी थ्योरीज बनाई थी, लेकिन वो इतनी दमदार नहीं लगी लोगों को। उनके कलेजे को ऐसे ठंडक मिलने वाली इस न्यूज को सुन के, वो विक्स खा के पानी पीते ना वैसी वाली कलेजे में ठंडक पड़ जाएगी। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो भाई देखो, हम आज मिर्जापुर के किसी और सीजन की बात नहीं करेंगे, और मैं जिस न्यूज की बात करने वाला हूँ ये एकदम ऑफिशियल है। मेकर्स ने खुद अपने ऑफिशियल अकाउंट से ये सब पोस्ट किया है कि मिर्जापुर के ऊपर एक मूवी बनने वाली है। और आप में से ज्यादातर लोग ये सोच रहे होंगे कि ज्यादातर क्या होता है कि मूवी बनती है जब किसी वेब सीरीज के ऊपर, या कोई भी स्पिन ऑफ अगर बनती है आगे चल के, तो उसमें उस शो के मेन कैरेक्टर्स नहीं होते हैं। तो इस बार ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, उल्टा मेन कैरेक्टर्स ही है। और हाँ, सही सुना आप सभी ने, मेन कैरेक्टर्स आ चुके हैं और कुछ और भी होंगे, उनकी गारंटी नहीं है अभी और कौन है। तो इस मूवी में हमारे प्यारे मुन्ना भैया भी आने वाले हैं वापस, जो कि अमर है। ये बात खुद बोल के गए थे, लोग मान ही नहीं रहते इतने टाइम से। जिन्होंने भी थ्योरीज बनाई थी कि मुन्ना भैया मरे नहीं है, उनकी थ्योरीज का कुछ पार्ट सच होने वाला है, क्योंकि मिर्जापुर की जो ऑफिशियल मेन टाइमलाइन है उसमें तो वो डेड है, लेकिन इस मूवी में इसकी टाइमलाइन में वो जिंदा है, और साथ में इनके कंपाउंडर दोस्त भी जिंदा है। और अगर इतने सारे मरे हुए कैरेक्टर्स को जिंदा कर रहे हैं तो भाई रतिशंकर शुक्ला भी जिंदा होंगे, और साथ ही में उनके बेटे शरद को क्यों छोड़े, वो भी आ सकते हैं। अब बोलो कौन कह रहा था कि ये थ्योरीज फालतू है। वैसे मैंने कोई थ्योरीज नहीं बनाई मुन्ना भैया को लेके, लेकिन शरद को लेकर डिस्कशन जरूर किया था कि ये हो सकता है कि ये जिंदा है। तो इसका अभी कुछ कंफर्म नहीं है, पर देखते हैं आगे चल के क्या हो सकता है इस पे। हो सकता है थ्योरी गलत हो जाए, पर हाँ, मुन्ना भैया तो लौट रहे हैं और उनका बोकाल भी पूरी तरीके से लौट रहा है, और कालीन भैया भी साथ होंगे और गद्दी के लिए फिर से लड़ाई होगी। तो इस बार सवाल बड़े और इंपॉर्टेंट खड़े हो रहे हैं कि इस मूवी में मुन्ना भैया और कंपाउंडर जिंदा कैसे। क्या ये मूवी सीजन 2 के बाद की स्टोरी लाइन को कंटिन्यू करेगी, और अगर करेगी तो बाकी कैरेक्टर्स को जिंदा क्यों कर रहे हैं ये लोग। क्या ये सिर्फ हाइप और पैसे के लिए कर रहे हैं, जो कि चलो ठीक है, एक बार को समझ भी आता है, पर फिर भी स्टोरी से कॉम्प्रोमाइज क्यों। तो देखो, मुन्ना भैया और कंपाउंडर को जिंदा करेंगे इसके लिए कोई तगड़ा रीजन देना पड़ेगा इनको, ये दोनों कैसे बचे। और इसलिए मैं कह रहा था ना कि थ्योरी सच हो सकती है कि मुन्ना भैया का दिल दूसरी तरफ है, या कंपाउंडर को मार रहे नहीं, जो कुछ भी थ्योरीज बन रही थी सच हो सकती है। अभी थोड़े टाइम में और थ्योरीज बनेंगी, देखना आप इस मूवी के लिए। यूट्यूब पे आपको काफी थ्योरीज मिल जाएंगी थोड़े दिनों में, वैसे मूवी आने में काफी टाइम है, इसलिए बहुत मजा आने वाला है आप सभी लोगों को इनके बारे में सुन के अलग अलग थ्योरीज। वैसे एक दो मैं भी सोच लूंगा, उसके लिए चैनल सब्सक्राइब कर लेना और शेयर कर देना ये वीडियो अपने मिर्जापुर के फैन दोस्तों के साथ। अच्छा, स्टोरी लाइन कंटिन्यू करेंगे कि नहीं इस पे बात कर लेते हैं। तो देखो, मेरे ख्याल से स्टोरी कंटिन्यू नहीं होगी, ये मे बी एक ऑल्टरनेट यूनिवर्स का पार्ट हो सकता है, या फिर कुछ और ही हो सकता है। जैसे कि मान लो दूसरे यूनिवर्स का नहीं है ये पार्ट, चलो ठीक है, जो कि बहुत ज्यादा चांसेस ऐसा होने के, क्योंकि ये मार्वल नहीं है, इतना दिमाग यहाँ लगाने का कोई सेंस बनता नहीं है। तो इसलिए ऐसा पॉसिबल है कि इस मूवी में मिर्जापुर का मेन गेम जो है वो वेब सीरीज वाला चल रहा है बैकग्राउंड में, और हमें इस मूवी में दूसरी जगहों पर क्या क्या हो रहा था मिर्जापुर में पीछे से इन सारे बाहुबलियों के, वो सब देखने को मिले। जैसे कि लोग क्या क्या बातें कर रहे थे, इनके मुखबिर या इनके चेले चपाटे क्या खिचड़ी पका रहे थे पीछे से, तो वो सब हमें देखने को मिले। मतलब कि मेन फोकस मेन कैरेक्टर्स पे ज्यादा ना होके साइड कैरेक्टर्स पे हो। बाकी इस मूवी को अगर थिएटर्स में रिलीज करना है तो आपको पता ही है कि मिर्जापुर कितनी सभ्य वेब सीरीज है, एक भी गाली नहीं है इस सीरीज में। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया मुन्ना, एक भी मैच्योर सीन नहीं है, तो थिएटर्स में इसको PG-13 कैसे बनाएंगे, कितना ज्यादा मुश्किल होने वाला है मेकर्स के लिए, मैं तो ये सोच रहा हूँ। मुन्ना भैया तो गाली के बिना बात ही नहीं करते, और गुड्डू भैया तो जब तक एक दो को टपकाना दे तब तक उनको मजा ही नहीं आता है। और अब बाकी कैरेक्टर्स जिंदा हो रहे हैं तो भाई बबलू भैया भी आ सकते हैं, तो वो कंट्रोल कर लेंगे गुड्डू भैया को, पर दिक्कत मुन्ना भैया की है, उन्हें PG-13 कैसे लिखेंगे। एज सर्टिफिकेट मिलने के बाद भी बहुत कुछ ध्यान में रखना पड़ता है, नहीं तो सेंसर बोर्ड कैच ही बहुत चलाता है मूवीज पे। पर ऐसा भी नहीं है कि मैच्योर मूवीज अलाउड नहीं है, अलाउड है। जैसे किल आई थी, उसमें खूब टोमेटो सॉस निकाला था पर उसको रिलीज होने दिया, इन्होंने बहुत कुछ नहीं काटा उसमें। तो मिर्जापुर की इस मूवी में काफी कुछ ना कटे इसके चांसेस हैं। तो आपको क्या लगता है इन सब के बारे में कमेंट्स में बताओ। इस वीडियो में इतना ही, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर जरूर करना, और मेरी वीडियो पहली बार देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर देना ऐसी और भी वीडियोस के लिए। मैं मिलता हूँ आपसे अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ, बाय।